बिजनौर पुलिस की बाइक सवार दो बदमाशों से हुई मुठभेड़। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। मुठभेड़ में एक उप निरीक्षक भी घायल। एक बदमाश पुलिस को चकमा देकर हुआ फरार। घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। बदमाशों ने बैंक में ड्यूटी करने जा रहे कर्मचारी को कार में बंधक बनाकर QR कोड के जरिए की थी 45,000 की लूट। पुलिस ने बाइक तमंचा कारतूस किया बरामद। मैं क्षेत्राधिकारी नगर अवगत कराना है कि आज दिनांक 5 अगस्त को रात्रि में कोतवाली नगर पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही थी, तभी दो संदिग्ध व्यक्ति एक बाइक से आते दिखाई दिए। पुलिस के द्वारा इनको रोके जाने पर ये मौके से बाइक छोड़कर भागने लगे। पुलिस के द्वारा इनका पीछा किया, पीछा किए जाने पर इन बदमाशों के द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया, जिसके जवाब में आत्मरक्षा पुलिस ने भी इन पर फायर किया, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया व एक व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग गया। घायल व्यक्ति की पहचान आकाश उर्फ हरि सिंह निवासी कुरवाई नगर से हुई। घटनास्थल से एक तमंचा व 3 .315 बोर खोखा कारतूस प्राप्त हुए। इस कार्रवाई में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ। घायलों को तत्काल मौके से जिला अस्पताल उपचार हेतु पुलिस के द्वारा भेजा गया। उल्लेखनीय है कि 1 अगस्त को 5-6 व्यक्ति के द्वारा कुरवाई नगर के एक बैंक कर्मी को डिटेन करके उसके पैसे QR कोड के माध्यम से एक खाते में ट्रांसफर कराए गए थे, जिसके संदर्भ में थाना कोतवाली नगर में अभियुक्त पंजीकृत है। इस मुकदमे में 2 अभियुक्त पूर्व में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आकाश भी इस घटना में शामिल था। घटना के अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी शीघ्र कर दी जाएगी। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट।